तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग माइकल भैया के घर पे रुके थे। हाँ गाइस, क्योंकि सर्बियन लेडी ने भाई शिंगचैन को पूरी तरीके से बेहोश कर दिया था, मार ही दिया था उसे यार, बेहोश ही नहीं गाइस, जान सी ले ली थी शिंगचैन की। हाँ गाइस सही बात है एकदम। इसलिए गाइस हमें सर्बियन लेडी से बहुत ज्यादा भाई अभी यहाँ पर हमें डर बैठ चुका है। और भाई मैंने जाकर उसे मारा भी था, मतलब माइकल भाई के साथ जाकर हमने उसे गन मारी थी। जल्दी से बैठो यार गाड़ी में। हाँ भैया बैठते हैं। गाइस अभी हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं। हम लोगों ने ड्राइवर भाई से बात करी है, वो कल तक आ जाएंगे गाइस, कल सुबह तक। बाकी गाइस पता नहीं, अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, बस सर्बियन रिगोस्ट हमें रास्ते में ना मिल जाए, क्योंकि गाइस वो भूतनी जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। गाइस उसे मैं जितना मार रहा हूँ ना, वो उतनी ज्यादा पावरफुल बनकर आ रही है। हम लोग को बाबा के पास भी गए थे गाइस, लेकिन यार बाबा भी उसे मतलब यार उसकी शक्तियों को ना गाइस वो वहां पर कर ही नहीं पाया था खत्म। और गाइस वो हमारे पीछे और भी ज्यादा पड़ गए कि हम लोगों ने उसे बाबा के सामने लाकर मतलब बाबा की शक्तियों का इस्तेमाल करके हमने उसे ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन गाइस वो ख़त्म नहीं, तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई। अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस घर के लिए उससे बचते बचाते। अरे यार भैया जल्दी चलते हैं। हाँ भाई चिंता मत कर, आराम आराम से चलेंगे, लेकिन यार जल्दी भी चलना है हमें। अरे भैया रुको रुको रुको, क्या हो गया शिंगचैन? अरे एक सेकंड रुक जाओ यार, हुआ क्या है? अरे सामने तो देखो यार, फिर से आ गई है। एक सेकंड यार, मुझे भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ भैया देखो यार, देखो गाइस आप लोग को दिखाता हूँ, वो देखो भाई लेफ्ट साइड में आप लोग को दिख रही है डांस करती भाई, वही है सर्बियन भूतनी। गाइस समझ नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ भाई अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, अगर वो भाग कर आएगी तो हम सीधा गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे, है ना? हाँ यार भाई एकदम सही बात है। गाइस वो देखो भाई सामने की तरफ डांस कर रही है, स्नैपर निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस आधी रात हो रही है, मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस 2:13 हो रहे हैं, और गाइस इस टाइम पर ये यहाँ पर बाहर है। गाइस ये देखो गाइस यहाँ पर डांस कर रही है। अगर मैं इसे गन मारूंगा गाइस इसे कुछ भी असर नहीं हो रहा। ये देखो गाइस, अरे मत चलाओ यार, गन हमारे पीछे पड़ जाएगी। हाँ भाई यहाँ देखो गाइस डांस कर रही है ये। गाइस आप लोगों ने भी जितने आइडिया दिए थे ना इसे मारने के, हमने सारे ट्राई कर लिए, वो किसी भी आइडिया से खत्म नहीं हो रही है। गाइस पता नहीं कैसी भूतनी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ऑलराइट गाइस अब हम लोग को क्या करना चाहिए, हमें यहीं से जाना है। गाइस हम कैसे जा सकते हैं, रास्ता यही जाता है हमारे घर को। अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ कार में बैठते और निकल जाते हैं। भाई एक सेकंड मेट्रो जा रही है, वहीं नीचे से चलने क्या? अरे देख लो आपकी मर्जी है। नहीं यार वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। गाइस क्या लगता है भाई इससे बच पाएंगे या फिर नहीं बच पाएंगे? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अरे सही बात करे भैया, जल्दी बैठो। अबे जल्दी बैठ शिंगचैन पिंचन भीमावारी, जल्दी से बैठ। अरे आगे करो गाड़ी, आगे करो। अरे मैं तो आगे करो, तुम लोग जल्दी से बैठो। हाँ चलो चलो चलो। अरे भैया जल्दी चलो यार, मैं तो चल रहा हूँ यार। मैं आ गई, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे गाइस ये यहाँ पर आ चुकी, मुझे भागना पड़ेगा। रुक जाओ तुम्हें बताती हूँ मैं। एक सेकंड शिंगचैन देखियो। हाँ देख तो भैया रुको। अरे भैया भागो भागो, आ रही है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, रुक जाओ। अबे भाई सब गाइस यहाँ से निकलते हैं। भाई ये कैसे, हमने तो वीडियो भी नहीं बनाई। अरे मुझे लगता है वो आपके पीछे पड़ी थी ना, इसलिए वो यहाँ पर आ चुकी है। अरे भाई सब गाइस हमें फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऑलराइट भाई देख सकते हो आप लोग, भाई काफी ज्यादा मुश्किल से हम लोग बचकर आ चुके हैं ना शिंगचैन। हाँ भैया अब मुझे नहीं लगता वो हमारा पीछा कर रही होगी। हाँ भाई एकदम सही बात है, गाइस बाल बाल बच्चे हैं भाई इससे तो। ये काफी ज्यादा खतरनाक थी यार, ये तो मतलब बिना हमारे कुछ करने से ही ये यहाँ पर आ गई। अरे अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। एक सेकंड अपनी कार को क्या हो गया? अरे क्या हो गया, फिर से खराब हो गई क्या? भाई गाइस मुझे लग रहा है यार जब भी हम ये सर्वियन लेडी को देखते हैं ना अपनी कार जरूर खराब होती है यार। शिट गाइस इस कार की क्या करूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं उसे खोल कर देखता हूं। अरे बाप रे ये क्या निकल रहा है? गाइस मेरी कार में से खून क्यों निकल रहा है यार? इधर आ जाओ तुम लोग। अरे बाप रे छी, ये कितना गंदा लग रहा है। अरे गंदा तो हो ही रहा है, ये मेरी गाड़ी में से इतना खून कैसे निकल रहा है? अरे किसी को मार तो नहीं दिया? अरे नहीं भाई मारा नहीं यार किसी को भी। देखो यार गाइस यार कहीं ये भाई सर्वियन लेडी की कोई चाल तो नहीं है? अरे हाँ यार भैया हो सकती है। चलो गाइस हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं भाई, हम लोग धीरे धीरे अपने घर पे निकल जाए, बस हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है। गाइस आप लोग सामने की तरफ देख रहे हो ना, उन्हीं बिल्डिंगों में हमारा घर है, लेकिन गाइस यहाँ बीच में भाई थोड़ी ऊंचाई पड़ती है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? तुम लोग साथ रहो यार। अरे साथ ही हैं आप, चिंता मत करो यार। भाई चिंता तो होगी ना, लेट्स गो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। यार आप लोग प्लीज यार सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करो, जिससे हम लोग यार फटाफट से अपने घर पे पहुंच सके। हाँ यार गाइस प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में फ्रैंकलिन ओपी भी लिख दो। अबे यार फ्रैंकलिन ओपी लिखो मत लिखो, लेकिन गाइस कमेंट बॉक्स में सर्बियन लेडी को जरूर बता दो यार, हमारे पीछे पड़ गई है। गाइस अब क्या करें यार, उसे हम लोग सॉरी भी बोल रहे हैं, लेकिन गाइस वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई सर्बियन लेडी कैसे पीछा छोड़ेगी हमारा। अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा भैया। हाँ यार मुझे भी नहीं आ रहा समझ। एक
काम करते हैं। गाइज अभी तो हम फिलहाल के लिए यहाँ से निकल रहे हैं, अभी चलते रहते हैं आगे की तरफ। गाइज हम लोग यार गली वली में से निकल कर ना बाहर की तरफ आ चुके हैं, बस हम लोग यार घर पहुँचने वाले थोड़ी देर में। हाँ यार भैया बस पहुँच जाएंगे। अरे बाप रे सामने देखो फ्रैंकलिन भैया। एक सेकंड गाइज यार यहाँ पर ये फिर से डांस करने लग रही है यार, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गई। अरे भैया देखो ना यार ये भैया क्या। हाँ भाई ये सर्बियन गर्ल डांसिंग लेडी है गाइज। यार ये भूतनी तो हमारे पीछे पड़ चुकी है। अरे अब क्या करेंगे भैया रात यार बहुत ज्यादा हो रही है। अरे भाई मुझे खुद डर लग रहा है, तुम एक तो मेरे से चिपको मत यार। अरे आप पास क्यों जा रहे हो उसके। भाई एक काम करो ये गाड़ी वाला जा रहा है, भाई गाड़ी वाला रोक दे वहाँ पे। अरे भैया ये उसी की चाल है, मत जाओ। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप उसके पास जाओगे और गाड़ी कहाँ से गायब हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है गाइस, इसकी वीडियो बनाकर देखूंगा। अरे वीडियो आपको क्यों बनानी है इसकी भाई, जिससे हमारे पीछे आए। अरे आपका दिमाग तो सही है ना भाई। यार देख पीछे तो वैसे भी आएगी ना इसकी, कम से कम वीडियो तो बना सकता हूँ, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। अरे आपका दिमाग खराब हो चुका है भैया। अरे रुक जाना भाई एक बार वीडियो बना दो। गाइस क्या बोलते हो, वीडियो बनाओ या फिर ना बनाओ। अरे गाइस मना करो यार प्लीज मना करो। अरे चुप करो यार गाइस, देखता हूँ मैं। देखो ये देखो यहाँ पर ये मैंने भाई चालू किया कैमरा, ये की रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मैंने कहा था भैया मत करो, देखो वो खड़ी हो गई सीधा। हाँ यार भाई ये खड़ी हो चुकी है गाइस। अरे भागो देखो आ रही है वो। एक सेकंड भाई तो सच में आ रही है। अरे भागो जल्दी से, फ्रैंकलिन तूने फिर से मेरी वीडियो बनाई, अब तो मैं तुझे खा जाऊंगी। अरे भागो भैया भागो जल्दी से भागो। भाग रहा हूँ भाई मैं तो, भाग रहा हूँ तुम लोग भागो। अरे हम भी भाग रहे हैं। एक सेकंड गाइस यहाँ पर मैंने गैलरी में सेव कर दी इस वीडियो को। अरे भैया कैमरा ऑन मत करो, भागो यहाँ से। ऑलराइट गाइस मैं तो भाग रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ तुम लोग भी। अरे भैया देखो हमारे पास आ गई वो। अबे भाई साहब राइट ले लो, राइट ले लो। अरे राइट क्यों लेना, जिससे वो तुमसे दूर हो जाए थोड़ा सा। अरे मेरे साइड में चल रही है भैया वो। तो तू फिर से राइट ले ले यार। अरे नहीं मैं नहीं लूंगी राइट, मुझे आप लोगों के साथ चलना है। ऑलराइट हम लोग भाई उससे काफी ज्यादा फास्ट चल रहे हैं गाइस, हम लोग को और स्पीड में चलना है यार। अरे यार जल्दी चलो भैया घर पे, चलो जल्दी आ जाओ गाइस। यार भाई ये तो हमारे सच में पीछे पड़ गई, मैंने कहा था उसकी वीडियो मत बनाओ। भाई मुझे थोड़ी पता था ये इतनी जोर से हमारे पीछे पड़ेगी, मुझे भाई बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था कि इतनी फास्ट भी भागती होगी। अरे कहाँ गई है मुझे नहीं पता भाई, कहाँ जा चुकी है, तुम लोग को दिख रही है क्या। अरे यार हाँ भैया हमारे पीछे ही है। एक सेकंड रुक जाओ गाइस मैं देखता हूँ भाई हमारे पीछे क्या। ऑलराइट भाई अभी भी आ रही है, चलो 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 भाई जल्दी से ऊपर चढ़ते जाओ। अरे हाँ यार जल्दी से चलो भैया, उसके आने से पहले हम लोग निकल जाते हैं घर पे। हाँ जल्दी आओ, जल्दी मैं तो कह रहा हूँ छुप जाते हम लोग कहीं पे। अरे हाँ यार ये भी सही बात है, लेकिन भैया छुप कर कुछ फायदा नहीं है, अब वो हमारे पीछे तो सीधा हम लोग घर के लिए निकल सकते हैं। वो देखो गाइस अभी भी आ रही है। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को, क्या लगता है मेरी वीडियो बनाओगे, सबको मारेंगी। हिमा वाली तू आवाज निकाल दिया क्या। अरे भैया मेरी आवाज नहीं है यार, मेरे को डर लग रहा है। ओके गाइस ओके ओके, मेरे हिसाब से भाई ये जा चुकी है यार अब। अरे भैया रुक क्यों गए, अब तो घर पहुंचने वाले हैं। भाई मेरे हिसाब से जा चुकी है वो। हाँ यार भैया मुझे भी लगता है, लेकिन कल भी ऐसी लगा था। भैया देखो हमारे पीछे आ रही, भागो। एक सेकंड गाइस ये तो हमारे पीछे नहीं छोड़ रही भाई, सभी तो अभी भी भाग रही है हमारे पीछे। अरे यार जल्दी से घर पहुंचते हैं यार। ओके गाइस आप लोग को जैसे कि पता है भाई सर्बियन लेडी हमारे घर में आकर हमें अटैक नहीं करती है, इसलिए गाइस हम लोग फटाफट से घर में पहुंचते हैं। अरे जल्दी चलो भैया बहुत ज्यादा स्पीड मारी है। अरे उसकी ऐसी की तैसी, बस हम लोग भाई हमें एक और रोड पार करनी है। मैं थक गया भैया। नहीं शिंचन बिल्कुल भी नहीं थकना अभी। अरे हाँ यार अभी थकने की कोई जरूरत नहीं है यार शिंचन भैया, जल्दी से भागो। लेट्स गो यार यहीं से ऊपर चढ़ जाते, जल्दी आ जाओ ऊपर की तरफ। हाँ चलो 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 जल्दी चलो भैया हम लोग आ रहे हैं। हाँ भाई जल्दी से आ जाओ गाइस, देखते हैं यार वो आती है हमारे पीछे फिर नहीं आती है। हाँ भैया देखते हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ पर है। भाई यार ट्रेवर भाई को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ गाइस, ट्रेवर भाई के पास कोई ना कोई मतलब आइडिया तो जरूर होगा गाइस, मेरे हिसाब से रह चुकी है वो। अरे भैया उसने भी शॉर्टकट ले दिया, जल्दी चलो जल्दी घर के अंदर चलो। ओके गाइस हमारे पीछे ही है वो अभी भी, हमें घर के अंदर जा रहा है भाई कैसे भी करके, अपने रूम में छुपना है जाकर। हाँ भैया जल्दी से चलो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। अरे डरो मत जल्दी से घर के अंदर। जो फाइनली गाइस मैं तो पहुंच गया घर के अंदर, देखते हैं गाइस वो आती है या फिर नहीं आती है। सब ठीक तो ना। हाँ भैया ठीक है, फाइनली अपने घर पे पहुंच गए। हाँ यार अगली बार से मैं रात में नहीं निकलूंगा यार कुछ भी करके। हाँ भैया कोशिश तो यही करेंगे। अब भाई साहब ये तो बाहर की तरफ ही डांस करने लग गई। अरे बाप रे कैसे आ गई। अरे तुम लोग घर के अंदर छुप गए, बाहर निकलोगे तो मैं मार दूंगी। एक सेकंड गाइज मैं एक काम करता हूँ, अपने घर के ना सारे स्विचेस बंद कर देता हूँ गाइज। ओके ओके स्विच कहाँ पर लगे रखे हैं। अरे राइट साइड में टीवी के पास। ओके भाई बंद कर दो गाइज, मैं यहाँ पर है स्विच। चलो गाइज फाइनली भाई स्विचेस बंद कर दिया। भाई हट जाओ यार। अरे भैया यार हमें जाने दो यहाँ से, तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत किया करो यार, जाने दिया करो मुझे। हाँ ठीक है लेट्स गो गाइज, चल कर देखते हैं। ओके गाइज फाइनली भाई सर्वियन लेडी यहाँ से जा चुकी है, लाइट बंद कर दे। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, वो कहाँ गई होगी। भाई अब वो जा चुकी है यार, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, देखते हैं भाई कहाँ पर हो सकती है। किसी को नहीं पता चल
चलेगा। जैसे ही बाहर निकलेंगे मैं सबको मार दूंगी, वो भी चाकू से। कोई नहीं बचा पाएगा इन लोगों को। तो गाइज अगर आप लोगों को पता है सर्बियन लेडी कहाँ पर गई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। हाँ गाइज जल्दी से कमेंट करना है, हम लोग आप सभी के कमेंट्स का वेट करेंगे। फ्रैंकलिन भैया ने फाइनली यार उसे भगा दिया वापस से। चलो गाइज अब आराम से हम लोग थोड़ी देर सो जाते हैं यार, और सुबह होने का वेट करते हैं। गाइज जब भी वहाँ पर ड्राइवर भाई आएंगे तो यार हमें माइकल भाई के घर जाना पड़ेगा, और अपनी कार भी नहीं है गाइज यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं यार। चलो भाई यहीं पर सो जाते हैं हम लोग, सुबह होने का वेट भी करते हैं। गाइज सो जाओ यार तुम लोग भी। हाँ भैया सोते हैं। गाइस सुबह हो गया। अबे भाई साहब डरा क्यों रहे हो, तीनों के तीनों एक साथ खड़े हो यहाँ पे। अरे हम तो आपके उठने का वेट कर रहे थे। अबे वेट कर रहे थे, डरा क्यों रहे थे। अरे यार भैया अब हम यार वेट भी नहीं कर सकते आपका। कर सकते हो यार भाई साहब, बहुत अच्छी नींद आई गाइस। यार ये सर्बियन लेडी ने तो बहुत ज्यादा डरा के रखा है गाइस हमें। एक काम करता हूँ, आप लोग के कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप लोगों यार रात से आप लोग हमें कमेंट कर रहे होगे, तो निकाल रहा मैंने अपना फोन, कमेंट्स पढ़ता हूँ आप सभी के। क्या बात कर रहे हो, अरे क्या हो गया भाई। यार सब लोग कह रहे जब मैंने लाइट के स्विचेस ऑफ किए थे ना, हाँ भैया, तो भाई वो यहाँ से सर्वेंट लेडी चले गई थी, लेकिन हमारे ऊपर खड़ी हो गई थी छत पे। अगर हम लोग बाहर निकलते ना तो भाई वो हमें मार देती। अरे क्या बात कर रहे हो, यानी कि हम लोग बच गए। भाई अपनी ऑडियंस ने हमें बचा लिया यार, कमेंट करके बता दिया। अगली बार से हम लोग ध्यान देंगे गाइस, कभी भी रात में यार रूम से बाहर नहीं निकलेंगे हम लोग। हाँ भैया एकदम सही बात है। गाइस अब देखते हैं माइकल भाई का फोन कितनी देर में आता है। पहले मैं ना थोड़ा नहा लेता हूँ यार, बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं गाइस मैं नहाया नहीं हूँ। लेट्स गो यार, डुबकी मारी भाई, अब थोड़ा सा टहल लेता हूँ अच्छे से। ओके अब पीछे की तरफ भी चलता हूँ गाइस टहलने के लिए। चलो यार नहाना धोना भी हो चुका है गाइस, कपड़े तो मुझे चेंज करने नहीं है, यही कपड़े क्योंकि मेरे पे अच्छे लगते हैं गाइस ब्लैक कलर के। लेट्स गो गाइस, अब एक काम करता हूँ मैं फोन करता हूँ माइकल भाई को, उनका पता नहीं आएगा या फिर नहीं आएगा। चलो भाई चलो, माइकल भाई ने बोल दिया ड्राइवर भाई बस घर पे पहुंचने वाले हैं, हमें उनके घर पे जाना है, वो अपने घर पे पहुंचने वाले हैं। अरे पर हम जाएंगे किससे, देखते हैं भाई। एक काम कर दो, पतले अंकल की गाड़ी चुरा लेता हूँ गाइस फिर से। चलो भाई बैठो फटाफट से। हाँ बस बैठ रहे हैं भैया, चलो चलते हैं यहाँ से। बिल्कुल यार बिल्कुल चलते हैं गाइस, आज तो हमें यार इसका खेल खत्म करना ही है। गाइस अगर आप लोग चाहते हो सर्बियन लेडी को भाई सबक सिखाएं, सबक क्या सिखाना है यार, उसका खेल ही खत्म करना है। एक सेकंड, ये क्या हुआ भाई, पुलिस वाले को मार दिया भाई साहब, पुलिस वाले को चोर ने मार दिया इनकी ऐसी की तैसी। अरे मारो इसे, ले भाई इसे एक गोली में बेहोश कर दिया। पुलिस वाले भाई कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बता इनका। अब देखो भाई वो अपने साथी को तो उठा के जाएगा, खुद ही गाड़ी में बैठ के चल जाएगा। छोड़ो अब यार गाइस, एक काम करते हैं यहीं से शॉर्टकट लेते हैं। अरे पुलिस वाला हमें देख लेगा ऐसे शॉर्टकट लेते हुए। कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, लेट्स गो गाइस, शॉर्टकट तो ले लिया। हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था, अगर आप लोग चाहते हो यार कि हम लोग यार सर्वेंट लेडी से बच सकें गाइस, एक सेकंड आप लोगों ने देखा ना वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है भाई, पीछे भागते हैं वो चाकू लेकर लिटरली गाइस। हम लोग को अगर कोई भी हाथ में आ गया ना भाई, उसे चाकू से भुंदेगी। अरे मुझे तो कल मार भी दिया था गाइस, आप लोगों ने देखा ही था। देख रहे हो गाइस यहाँ पर रात में बिल्कुल भी चहल पहल नहीं थी, और अब कितनी ज्यादा चहल पहल है। मैं तो सोच रहा हूँ गाइस रात के सारे लोग निकलने लग जाना तो भाई वो सर्बियन लेडी आएगी भी नहीं यहाँ पर। हाँ भैया ऐसे भी हो सकता है। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं माइकल भाई के घर पे, वहां पर देखते हैं भाई माइकल भाई हमें क्या आइडिया देते हैं, और भाई फिर हमें ड्राइवर भाई के घर के लिए निकलना है, क्योंकि ड्राइवर भाई हमें रियल आइडिया बताने वाले हैं। बाकी क्या चीज़ है वो तो भाई हमें वहीं जाकर पता चलेगी ड्राइवर भाई के पास। अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग माइकल भाई के घर पे आ चुके हैं। लेट्स गो गाइस चलते हैं भाई, ये यहाँ पर गाड़ी अंदर ले चलते। ये कौन है भाई, कोई मेहमान आई थी क्या माइकल भाई के यहाँ। चलो खैर छोड़ो हमें उससे क्या, लेट्स गो गाइस अंदर खड़ी कर देता हूँ गाड़ी। यहाँ पर सही है ना, हाँ भैया यहीं पर सही है। चलो भाई चलते हैं माइकल भाई के पास। अरे फ्रैंकलिन देख मैं आ गया यार, मैं अंदर था यार। एक सेकंड माइकल भाई आप कहाँ पर थे। अरे मैं अंदर की तरफ खड़ा था, मुझे लगा था गाड़ी वही लेकर आएगा। अरे नहीं माइकल भाई, ड्राइवर भाई कितनी देर में आ रहे हैं, बस वो आधा घंटे में अपने घर पे पहुंच जाएगा, हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे 10-15 मिनट में। अरे यार आपके घर से निकल के गए ना कल, वापस से उसने हम पर अटैक किया। क्या बात कर रहा है, फिर से अटैक किया, अरे तू सो क्यों रहा है यहाँ पर। अरे हाँ माइकल भाई उसने अटैक करा, मैं सो नहीं रहा है, फिसल गया था देखो, फिर से फिसल गया मैं यहाँ पर। आपकी ये वाली जो रोड है ना, मतलब ये जो साइड है ये बहुत ज्यादा फिसलन वाली है। हाँ ये कल परसों ही काम हुआ था ना इसका, इसलिए होगी। मैं ये कह रहा था सर्बियन लेडी ने क्या किया फिर। अरे क्या क्या किया, हम लोग वहां से भाग गए। एक तो मेरी गाड़ी पता नहीं क्यों यार उसे देखते के साथ, उसके बाद वो 5 मिनट बाद हर बार खराब हो जाती है। अरे वो कुछ जादू टोना करती है, मेरे को लगता है किसी बड़े बाबा के पास जाना पड़ेगा। आप तो रहने दो, एक बाबा के पास आप लेकर गए थे, वहां पर पता ही चल गया ना सब कुछ। अरे यार ड्राइवर के पास भी कोई ऐसा ही आइडिया है, उसके पास कोई जान पहचान का बाबा है, वो उसके पास ले जाना चाहता हम लोगों को। अरे यार भाई जाना तो पड़ेगा गाइस, देखो यार हम लोग कैसे बचेंगे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम लोग खुद कुछ नहीं कर पा रहे और गाइस उससे कैसे बचेंगे। वही तो मैं सोच रहा हूँ उससे बचेंगे कैसे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक काम करते हैं,
इधर ड्राइवर भाई के घर के लिए निकल लेते हैं। चलो गाइस फाइनली यार हम लोग ड्राइवर भाई के लिए घर के लिए निकल रहे हैं। गाइस आप लोग प्लीज़ यार जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक सब लोग करो गाइस, सब लोग करो वीडियो को लाइक। तो यार आप लोग करते नहीं हो वीडियो को लाइक, आ जाओ यार बैठो। हाँ भैया बैठ रहे हैं, माइकल भाई गोद में ले लेना सबको। अरे सबको नहीं लूँगा, किसी एक को लूँगा। हाँ किसी को भी ले लेना, चलो जल्दी से बैठो। चलो गाइस हम लोग गाड़ी को फटाफट से मोड़ देता हूँ, मैंने पीछे की छत खोल दिया माइकल भैया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर भाई भी तो बैठेगा उसमें अगर। हाँ तभी तो खोल दी मैंने। चलो गाइस अभी निकलते हम लोग ड्राइवर भाई के घर पे, वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। और गाइस जाते जाते शाम तो नहीं हो जाएगी ना माइकल भाई? अरे यार अभी 15 मिनट में पहुँच जाएंगे यार, शाम की हो जाएगी, अभी तो सुबह हुई है। हाँ ये भी बात सही है। और गाइस यार देखते हैं यार वो क्या आइडिया देते हैं यार। सर्बियन घोष ने ना गाइस सच में यार दिमाग पूरा का खराब कर चुका है, पूरी की पूरी तरह से खराब कर चुका है भाई। मेरे तो मतलब बोला भी नहीं जा रहा। अरे गाइस आप लोग को पता ही है लास्ट टाइम उसने कैसे मेरे को दौड़ा दौड़ा के मारा था। गाइस शिनचैन को तो हमने बहुत मुश्किल से बचाया गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ। वो डॉक्टर भाई सही टाइम पर माइकल भाई के घर पे था क्योंकि अमांडा भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन गाइस उस डॉक्टर ने बचा लिया शिनचैन को। हाँ यार गाइस एकदम बचा लिया था, अभी ड्राइवर भैया के पास चलो यार जल्दी से। हाँ गाइस फटाफट से निकलते ड्राइवर भाई के पास और गाइस देखते भाई क्या सीन होने वाला है वहां पर। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हम लोग ड्राइवर भाई के घर पे पहुंच चुके हैं। अरे कहाँ पर ले जा रहे हैं गाड़ी को? अरे यार पार्क कर दो ना यहाँ पर। अरे यहाँ पर नहीं, अब तो उसने घर खरीद लिया तो नीचे कर सकता है पार्क। अच्छा ठीक है फिर यहाँ पर कर देता हूँ। हाँ ये एकदम सही पार्क किया तूने। चलो भाई चलो अंदर चल जाओ फटाफट से ड्राइवर भाई के पास। हाँ चलो माइकल भाई आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ, सब लोग आ जाओ यार, शिनचैन हिमावारी पिनचैन सब आ जाओ। लेट्स गो गाइस फटाफट से चलता हूँ भाई अंदर और भाई देखता हूँ यार ड्राइवर भाई आ चुके हैं फिर नहीं आए हैं। ऑल राइट गाइस गेट तो खुला हुआ है, यहाँ पर देखते हैं ड्राइवर भाई। ड्राइवर भाई अरे फ्रैंकलिन क्या हाल चाल है? ड्राइवर भाई आप सीरियसली आ गए? अरे आ गया, कैसा है मेरा भाई? यार बहुत बेकार हूँ, आप कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। मैंने सुना तेरे पीछे कोई भूतनी पड़ गई है। हाँ जी यार कैसे बताऊँ आपको, बहुत बड़ी भूतनी पड़ गई है। ड्राइवर भाई उसका नाम है सर्बियन लेडी, डांसिंग लेडी, मैंने सुना है इसके बारे में बहुत ज़्यादा। हाँ तो वो हमारे पीछे 4-5 दिन से पड़ी हुई है, हम जब भी घर से निकलेंगे हमारी कभी गाड़ी ख़राब कर देती है, फिर हमारे पीछे भागने लगती है। उसकी वीडियो बनाओ तो पीछे भागती है, वीडियो ना बनाओ तो हमारे पीछे भागती है और चाकू लेकर भागती है। और कल तो हद होगी, तुमने शिनचैन को मार दिया था जान से, वो तो बस उसकी सांसें चल रही थी थोड़ी बहुत तो वो बच पाया। क्या बात कर रहा माइकल, तूने ये बात क्यों नहीं बताई? मैं कल रात ही आता था। अरे हमने सोचा है तेरे को सही टाइम पर बुलाएंगे, कल शिनचैन का इलाज चल रहा था इसलिए हमने नहीं बुलाया। अरे यार ये सब हो गया मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन तू चिंता मत कर मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया बताओ मुझे यार जल्दी से। हमें एक बाबा के पास जाना पड़ेगा, मैं जानता हूँ उन बाबा को। अच्छा लेकिन माइकल भाई भी एक बाबा के पास ले गए थे, उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी वो बिल्कुल काम नहीं करी है। अरे वो कोई फेक बाबा होगा, मैं तुम्हें एकदम रियल चीज़ है जगह पे लेकर जाऊँगा। वो ऐसा बाबा है वो तुम्हें जो करने को बोलेगा अगर तुमने वो कर दिया तो वो पक्का भूतनी वहाँ से गायब हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है यार ड्राइवर भाई मैं तैयार हूँ, तो चलो निकलते हैं उन बाबा के लिए। हाँ चलो चलते हैं, अभी चलेंगे तो हम शाम तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो ठीक है हम लोग चलते हैं। तैयार है शिनचैन? हाँ भैया मैं एकदम तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। अरे मैं भी तैयार हूँ यार। अरे मैं भी तैयार हूँ यार, चलो चलते हैं। लेट्स गो गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं भाई बाबा के पास जाने के लिए। देखते हैं गाइस वो बाबा क्या कमाल दिखा पाते क्या नहीं दिखा पाते। गाइस आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ गाइस प्लीज यार हमें बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि यार सर्बियन डांसिंग लेडी बहुत ज्यादा डराती है हमें। हाँ गाइस डराती तो बहुत गंदे तरीके से है वो, और भाई देखो कैसे भें 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 करती रहती है यार। अरे उसकी आवाज मत निकालो यार। हाँ भाई ठीक है जल्दी से आ जाओ, ड्राइवर भाई और माइकल भाई आप लोग भी आ जाओ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर हम सब लोग बैठ कर निकल रहे हैं गाइस। और वो कौन सी जगह पर है? मैं मैप में लोकेशन लगा देता हूँ, वो हमारे थोड़े गांव के साइड पर है, जहाँ पर मेरा गांव है ना उस साइड पर है। ठीक है यार ड्राइवर भाई मैं समझ गया, चलो अभी पहले आपके गांव के लिए निकलते हैं हम लोग। हाँ पहले हमारे गांव के लिए चल ले। अरे गाड़ी किसने फंसा दी यहाँ पर? अरे कौन उल्लू का पट्टा है यहाँ पर गाड़ी फंसा के चले गए, काम कर आगे से निकाल ले। ठीक है यहाँ पर तो है नहीं जगह। अरे बैक ले थोड़ा, लेफ्ट से निकाल ले यार। एक सेकंड देखता हूँ ड्राइवर भाई मैं आराम आराम से, वैसे मेरी कार तो नहीं है, मेरे साइड वाले की कार है। ऑल राइट गाइस यहाँ से निकल सकती है। अरे यार तेरे को चलाने नहीं आती तो मैं चला दूँ क्या? अरे नहीं माइकल भाई निकाल तो दी यार। चलो गाइस अभी निकलते हम लोग यहाँ से और फटाफट से पहुँच जाते हैं उन बाबा के पास जहाँ पर ये ड्राइवर भाई हमें ले जाना चाह रहे हैं। और गाइस वहाँ पर चल कर देखते हैं बाबा हमें क्या भाई यहाँ पर सिचुएशन सुनकर क्या बोलते हैं, क्या करने को बोलते हैं, सब कुछ वहीं जाकर पता चलेगा हमें। हाँ यार एकदम सही बात है। और गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताना जरूर आप में से किस किस लोगों को भूत या भूतनी से या फिर गाइस किसी भी डरावनी
पुरानी चीज़ों से डर लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अरे यार गाइज, यार ये भी बताना आप में से कौन कौन हमारे साथ है। यार मेरी तो उम्मीद ही टूट गई है, मुझे तो लगता है पूरी ज़िंदगी अभी सर्बियन लेडी के साथ गुजारनी पड़ेगी। अरे भाई तू इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है, आज ड्राइवर भाई आ चुके, सब सही करवा देंगे, है ना ड्राइवर भाई? अरे तुम चिंता मत करो, मैं जिस बाबा को जानता हूँ ना वो सब सही करवा देगा। ठीक है बस हम लोग निकल ही चुके हैं गाइज, आप लोग देख ही रहे हो। अभी यहाँ पर देखो माइकल भाई का घर आ चुका है, मैं उतर जाऊँगा यहाँ पर। अरे आपको क्या करना उतर के? अरे मैं सोच रहा थोड़ा खाना पीना खा के चलते। अरे वहाँ पहुँचते शाम हो जाएगी ना ड्राइवर भाई? हाँ शाम, वहाँ पर तो शाम हो जाएगी, शाम तो अभी थोड़ी देर में होने ही वाली है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर फालतू में टाइम क्या वेस्ट करना है। अरे भैया मुझे भी भूख लग रही है वैसे। अरे पहले बोलता माइकल भाई के घर पर रोक देता। अरे कोई बात नहीं, घुमा ले गाड़ी। अरे बाद में घुमा लेंगे, अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस, शाम होने का वेट भी करते हैं। वेट क्या करना है, जाते जाते शाम हो ही जाएगी गाइस। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। अबे यार सही में रात नहीं हुई, अभी शाम होने स्टार्ट हुई है, रात कभी भी हो जाएगी। अरे तुम लोग चिंता मत करो, आज मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ट्रेवर भाई बिल्कुल। गाइस देख सकते हो ये वही जगह है गाइस, जहाँ पर एक बार हमें यहाँ पर हमारी गाड़ी पहले ही ख़राब हो चुकी थी, लेकिन गाइस हम लोग कैसे भी करके बच के निकल चुके थे यहाँ से। हाँ यार गाइस ये तो वही जगह है, और गाइस यहीं पर हमें सर्बियन लेडी मिली थी, और ये कार वाला पता नहीं क्या ड्रामे कर रहे हैं गाइस, दोनों मुझे अटका रहे थे। लेकिन भाई आपका भाई इतना कमजोर नहीं है, बिल्कुल सही बात है यार भैया, बस यार इस टाइम पर सर्बियन लेडी ना मिल जाए। बस मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ यार, बस एक बार बाबा के पास पहुंच जाए, वो हमें उपाय बता दे उस चीज का, तो हम यार फिर कोशिश भी करते हैं यार कुछ अच्छा सा तड़कता भड़कता करने की। बिल्कुल यार बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी यही बोलने वाला था। तो बोला क्यों नहीं भाई, अरे बोल कर क्या फायदा जब आप पहले ही समझ गए। बिल्कुल ये भी सही बात है। अभी देख सकते हो गाइस यार बहुत ज्यादा मतलब रात होने को आई है, मौसम कैसे चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल यार भैया सही में गाइस मैंने यहाँ से यूटर्न ले लिया है, क्योंकि यहाँ से यूटर्न लेना था हमें। उसके बाद यहाँ पर एक जगह बता रही है भाई ऊपर जाने की, आ तो जल्दी से ले लो यार भैया, यार रात होती जा रही है। ऑलराइट गाइस ये तो वैसे भी गांव के इलाके, यहाँ पर सर्बियन लेडी ज़रूर आ सकती है। अरे आती है क्यों नहीं आती, मैंने भी खुद भी देखी है मैंने। क्या बात कर रहे हो? हाँ मैंने देखी, पर मैंने सोचा था कोई डांस कर रही होगी तो ऐसी नॉर्मल होगी, मुझे नहीं पता था ये सब इतना चल रहा है, मैं कभी यूट्यूब नहीं चलाता ना तो पता नहीं चलता। अरे कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो आपको बता ही दिया ना। हाँ सही है, मैं तो उसके साथ जाकर डांस करने वाला था। अरे डांस क्या करने वाले थे यार, लेट्स गो गाइस, फाइनल यही जगह है क्या ट्रेवर भाई वो? हाँ यही जगह है, इस वाले घर का पीछे वाले से मिले ले। ठीक है ट्रेवर भाई। ऑल राइट गाइज ये वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ से राइट लेना है क्या? हाँ देख यहीं पर होंगे बाबा जी। एक सेकंड, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे ये सब क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़े बाबा हैं, ये ऐसे ही करते हैं यहाँ पर काम, देखते जाओ बस तुम। अरे भैया हम लोग अंदर बैठे हैं। अबे तू तो बाहर आ गई। अरे मेरा मतलब है हम दोनों बैठे हैं यार। ठीक है भाई ठीक है। ऑल राइट भाई इनसे अभी बात करूँ क्या? हाँ कर ले, मैंने बोल दिया था ये तेरी तैयारी हो रही है। मेरी तैयारी? हाँ मतलब उस भूतनी को इसी के अंदर गिरेंगे। अरे बाबा हम लोग आ चुके, मेरा नाम फ्रैंकलिन है। तुम लोग आ गए हो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था कब से। बेटा देखो मुझे ड्राइवर बेटे ने सब कुछ बता दिया है, ये सर्बियन घोष जो है ये बहुत ज्यादा दिक्कत देगी तुम्हें आगे भी चल के, अगर तुमने सभी नहीं मारा तो। बाबा जी हम लोग यार 4-5 दिन से ट्राई कर रहे हैं, उस पर हमने एक बाबा ने हमें गन दी थी मतलब प्राप्त करवाई थी, और वो काफी ज्यादा बेकार गन थी यार, मतलब उसने मार तो दिया था लेकिन वो वापिस आई नहीं तो और भी ज्यादा ताकतवर होके आई थी, है ना माइकल भाई? अरे हाँ पता नहीं उस बाबा ने कहा था कि वो कैसे भी करके से अब लोग जल्दी जल्दी सब कुछ उसे मार देंगे तो वो वहां से भाग जाएगी, लेकिन वो भागी तो थी लेकिन वो फिर से और भी ज्यादा ताकतवर होकर आ गई थी। बेटा देखो ये गन वन से कोई चक्कर नहीं है, देखो जैसा मैं बोलता तुम्हें वही करना पड़ेगा। हाँ ठीक है बाबा जी जैसा आप बताओ। देखो तुम्हें कुछ भी करके ना उस भूतनी को यहाँ तक ले आओ मेरे पास, उसके बाद सब कुछ मेरे पास छोड़ दो। ये ट्रक वाला यहाँ पर भी आ गया। अरे तेरे लिए नहीं आया, बाबा जी के लिए आया हूँ। ठीक है हाँ बेटा देखो मेरी बात सुनो, उस भूतनी को कैसे भी करके ना सूरज उगने से पहले मेरे पास लेकर आ जाओ, मैं उसे ना इस वाली जगह पर डालकर कुछ मंत्र पढ़ के उसे मैं यहाँ से भेज दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, फिर फ्रैंकलिन बेटा वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। क्या बात करो सही में। हाँ बेटा उसने सबका जीना आराम कर रखा है लेकिन तुम्हारा कुछ ज्यादा ही कर दिया है। बिल्कुल यार बिल्कुल सही कह रहे हो आप यार, अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें। बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं जा रहा हूँ वापस से अपना ध्यान करने इस वाली जगह को ना और बढ़िया से करने के लिए, जिससे उस भूतनी को सीधे इसके अंदर डाल दें हम। ठीक है बाबा जी। तो गाइज क्या बोलते हो, हम इस बाबा पे यार भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइज ये हमारी जान को रिस्क लेने वाली
बात कर रहे हैं। यार फ्रैंकलिन देख, मैं सच बोलूं तो बाबा पे एक बार भरोसा करके देख, तेरी जान का कुछ नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं और माइकल लेते हैं। हाँ एकदम सही बात है यार फ्रैंकलिन, तू चिंता मत कर। लेकिन मेरी ही जान नहीं, यहाँ पर बहुत लोगों की जान जा सकती है इसमें। शिंचन पिंचन हिमावारी को हम लेकर नहीं जा सकते। अरे पर हम भी आएंगे आपके साथ। नहीं यार बिल्कुल वहाँ पर नहीं जा सकते तुम लोग। अरे पर क्यों यार, क्यों नहीं जा सकते? नहीं भाई, हम लोग भूतनी को लेने जा रहे हैं, वो हमारा पीछा करेगी बहुत जोर से भाग भाग के। और गाइस हमें यहाँ पर लेकर आना है, और ये जो पीछे की तरफ ये कर रहे हैं ना, ये जो बाबा हैं, और गाइस उसके अंदर वो कैसे भी करके उसे डाल देंगे खुद ही, बस हमें यहाँ तक लेकर आना है उसे पकड़ के। हाँ बस हम लोग को इतना करना है फ्रैंकलिन, उसके बाद हम लोग बच सकते हैं, तेरे पीछे छोड़ सकती है वो। गाइस मुझे लगता तो है ये प्लान वर्क करेगा, लेकिन यार हम लोग कैसे लेकर आएंगे उसे? अरे मेरे पास एक आइडिया है। हाँ तो माइकल भाई अब बताओ ना यार, माइकल भाई जल्दी बताओ। देख हम एक काम करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, और कार में बैठे बैठे ही वीडियो बना देंगे, या फिर एक बंदा उतर के वीडियो बना लेगा, और जैसे वो भागने लगी कार में बैठ कर वहाँ से भागना शुरू कर देंगे, और जैसे ही हमें लगेगा कि वो रुक रही है, हमारा पीछा करना बंद कर रही है, हम थोड़ा गाड़ी रोकेंगे, उसके पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि हम यहीं पर हैं, फिर से वो हमारे पीछे भागेगी, ऐसे कर करके हम उसे यहाँ पर ला सकते हैं। अरे माइकल भाई ये तो बहुत कैड़ा आइडिया बता दिया आपने। बिल्कुल। अरे मेरे पास दूसरा आइडिया भी है। हाँ बताओ बताओ। अगर देखो बाई चांस अगर प्लान वन में कोई दिक्कत आती है ना, तो हम दूसरा वाला मैं एक काम करूंगा, एक ट्रक का इंतजाम कर लेता हूँ, हम लोग ट्रक में बैठे बैठे ही उसकी फोटो वीडियो जो भी खींच के कर लेंगे। अगर वो प्लान वर्क नहीं करता तो सेकंड प्लान ये है कि ट्रक में ना एक पिंजरा लगवा दूंगा, उसके अंदर उसे चढ़ा देंगे कैसे भी करके, उस पर चढ़ाने के बाद उसे पिंजरे को बंद करके हम यहाँ पर ले आएंगे। ये भी एकदम सही आइडिया है माइकल भाई और ट्रेवर भाई ने, गाइस बहुत तगड़ा आइडिया दिया है। हमें गाड़ी की जगह ट्रक का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और पिंजरे वाले ट्रक है ना माइकल भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही आइडिया है, पिंजरे वाले ट्रक से थोड़ा और आसान रहेगा, वो हमारे ऊपर ज्यादा जल्दी अटैक नहीं कर पाएगी, लेकिन हमें जल्द से जल्द यहाँ पर लाना पड़ेगा स्पीड में। अरे आप उसकी चिंता मत करो, आपका मेरी ड्राइविंग पता है ना कितनी बढ़िया है? वो तो पूरी दुनिया को पता है कितनी घटिया है। अरे घटिया नहीं बढ़िया है। हाँ वही कह रहा हूँ, घटिया है, हम सबको पता है। अच्छा ठीक है यार गाइस, अगर आप लोग चाहते हो हम यार सर्बियन लेडी को यार यहाँ पर लेकर आए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखो। हाँ गाइस प्लीज यार नेक्स्ट पार्ट लिखो, जल्दी से लिखो नेक्स्ट पार्ट। हाँ गाइस जल्दी से लिखो। अरे हाँ गाइस जल्दी से लिखो। तो गाइस मुझे पता है आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त का शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और गाइस फटाफट से कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखो, गाइस जल्दी से लिखो। तो गाइस हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय टाटा टेक केयर।